व्हाइटिश पर्पल जय शिवाजी जय भवानी। व्हाट्स अप पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं रायरेश्वर विच इज इन भोर, एंड अभी हम खड़े हैं पुणे बैंगलोर नेशनल हाईवे पे, जो कि वर्वे का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे अभी हम हैं। एंड राइट नाउ वी जस्ट फ्यूल्ड अप आवर बाइक्स एंड दीज आर माय फ्रेंड्स विच आर आल्सो कमिंग विद मी सुधीर एंड अमित। सो आगे की बातें हम बाइक पे कर देंगे, लेट्स मीट अप ऑन द बाइक। दिस इज अ वेरी फेमस प्लेस बेसिकली। ये आप पीछे देख सकते हो, ये पूरा नेकलेस पॉइंट है, बहुत सारे मूवीज में है। एंड वहाँ पे भाटगर धर्म जो है वहाँ पे है, विल बी गोइंग एट दैट प्लेस ऑल्सो, बट ये नेकलेस पॉइंट है। कन्हा लुक देखिए, ऐसा नेकलेस बनता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड बहुत सारे मूवीज में भी इसका शॉट हुआ है एंड एवरी वन लाइक विजिट ओवर हियर। एंड यहाँ पे आप हम आए और यहाँ पे एक दोस्त दिखे थे जो कि आपके नाम से गणपति अप्पा का एक तस्वीर बनाते हैं, या वी कैन से ड्राइंग बनाते। विल जस्ट सी दिस, वी कैन सी दिस। You can see Anupama, my mother's name, and Gorakh, my father's name. Such a beautiful art. You can definitely get. I'll share you his contact number, his name. He will definitely courier you guys. And Justin, kiti dada mande hai tumhe? Single naus ke liye 70 rupees hai. Do naus mix ke liye kya kehte hai? 100 rupees hai. Single ke liye 150. सिंगल नेम 70 रुपीज, डबल नेम 100 रुपीज, एंड इफ यू वांट टू गिव इट थ्री नेम्स यू विल गेट इट एट 150। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट हिम, डिस्कस विथ हिम, यू कैन गेट मोटा पन बनू सकता नहीं ज़्यादा, साइज मोटी बड़ा भी साइज में बना सकते। सो इज काइंड ऑफ अ ग्रेट आर्टिस्ट। So we have reached रायरेश्वर पठार। Over there you can see at the back कि वहाँ पे हमें ऊपर जाना है, एंड those are the stairs, यहाँ से हमें चढ़ के जाना है। वी हैव पार्क टाइप बाइक्स देर, आई जस्ट शो यू कि हमने बाइक्स कहाँ पे पार्क की है। एंड यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो, पूरा पार्किंग की यहाँ पे जगह है। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे पूरा सह्याद्री। आई जस्ट शो यू आउट जस्ट अ मिनट। ये यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, देर वहाँ पे कहीं पे, वहाँ पे अभी तो वहाँ पे क्लाउड्स है इसलिए दिख नहीं रहा, बट वहाँ पे रायगढ़ वहीं पे कहीं पे है मोस्ट प्रोबेबली। एंड वहाँ पे अभी हमें जाना है, सो वी विल मूव ऑन ओवर देयर, लेट्स मूव। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, अराउंड 15-20 मिनट्स का रे, हाँ 15-20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स लग गए नॉन स्टॉप। वो नीचे आपको दिख रहा होगा रोड,
वहाँ से जो मैंने पार्किंग बताया था वहाँ से स्टेयर्स है, एक्चुअली वहाँ पे स्टील के भी स्टेयर्स है एंड वैसे भी है। अगर आप कंटिन्यू आ सकते हो तो 20-25 मिनट्स में आराम से पहुँच सकते हो एंड फिर यहाँ से ये पूरा ऐसा यू कैन सी द ग्रीनरी बिहाइंड मी, पूरी ऐसी ग्रीनरी है। एंड नाउ वी विल गो रायरेश्वर की तरफ, द रायरेश्वर वहाँ पे अभी, सो वी विल गो बाय वॉकिंग ओवर देयर एंड वी विल सी यू इन रायरेश्वर। मैम राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग बिसाइड पाण्याचं टाकं, दिस इज नोन एज, तो यहाँ पे जो पानी है दैट यू कैन डेफिनेटली ड्रिंक इट आउट, वहाँ पे उसको गोमुख कहते हैं आणि त्या गोमुखातून तुम्ही पाणी आरामात पिऊ शकता। आता बघू शकता माझा मित्र अमित इज टेकिंग द वॉटर इन द बॉटल अँड वी आर गोइंग टू ड्रिंक इट। सो जब पाणी आता आहे तो यहाँ पे कुछ कमी नाही आहे अँड दिस वॉटर यू कॅन, मतलब आपका मिनरल वॉटर ले लो या कोई और भी काय रे दुसरं कुठलंही पाणी घ्या, बट दिस इज द बेस्ट वन, कि ये जो पानी आपको मिलेगा ऊपर से ये ठंडा पानी रहेगा, डेफिनेटली ठंडा रहेगा। अभी तक मैं नीचे नहीं गया बट आई विल जस्ट सी ड्रिंक इट आउट, जीवंत पानी मोस्टली, आई विल ड्रिंक इट आउट एंड देन सी कैसा है, एक अलग टेस्ट है, डेफिनेटली अ डिफरेंट टेस्ट एंड ठंडा भी है, दिस इज रियली गुड, यहाँ पे आपको मिल सकता है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड, आपको जाते समय मंदिर जाके समय आपको दिख जाएगा टुवर्ड्स योर राइट एंड यहाँ से अभी मोस्ट प्रॉबली मंदिर अभी नज़दीकी होगा, सो वी विल गो टूवर्ड्स दैट। एंड ये जो मतलब वहाँ पे एक बोर्ड भी था वेर यू कैन सी कि कौन सी जगह पे क्या दिख रहा है पूरे पठार पे, पठार क्योंकि बहुत बड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज, यू कैन सी फ्रॉम हियर राजगढ़ भी दिख सकता है, तोरणा ऑल्सो यू कैन सी, रायगढ़ ऑल्सो यू कैन सी, केंजलगढ़ तो सामने ही है, जैसा बहुत सारा है वो दिख सकता है। एंड हियर इज द मंदिर फॉर विच वी आर ओवर हियर, आप देख सकते हो मेरे पीछे, दिस इज द रायरेश्वर मंदिर। रायरेश्वरमध्ये एक शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य शपथ एक शपथ घेतली इथे, बरोबर, ते इथं फक्त हे रायरेश्वर म्हणजे हा पठार आहे, गड नाही, पठार आहे, बरोबर, हे पठार फिरण्यासाठी आपल्याला फक्त एक, अच्छा, आणि इथे एक पांडवलेणी म्हणून एक पूर्वेकडे पांडवलेणी आहे, ओके ओके, मंदिर आहेत रायरेश्वरचं, अच्छा, त्याच्या पाठीमागे पश्चिमेला सात कलरची माती, हां सात कलरची माती, बरोबर, तिथे तुम्हाला तिथे गेल्यानंतर तिथून तुम्हाला तोरणा राजगड सिंहगड, अच्छा सिंहगड सुद्धा, कमळगड केंजगड मांढरदेवी महाबळेश्वर आणि पाचगणे ही गावं दिसतात, अच्छा, आता धोका असल्यामुळे थोडस जरा अंधुक थोडस सगळं व्यवस्थित दिसणार, म्हणून दुर्बिणीची गरज नाही, काय नाही काय नाही, सगळं व्यवस्थित दिसतं। पाठीमाग गेल्यानंतर तुम्हाला रायगड आणि हे दिसेल प्रतापगड, प्रतापगड एकदम क्लिअर दिसतो, प्रतापगड शिवाजी महाराजांचा पुतळा असं एकदम क्लिअर दिसणार, अच्छा, इथे एक नाकिंद म्हणून पॉईंट आहे, थोडंसं कडेला होल आहे, एकदा आवाज टाकला तर 5-6 वेळा रिटर्न आवाज येतो, बर, आणि तिथून एक अस्वल हिंद म्हणून ट्रेकिंगसाठी आहे कोकणामध्ये जाण्यासाठी, तो पण मार्ग आहे, तोही मार्ग अस्वल, अंदर जाते समय हमेशा पेड़ पे पानी लेना, दॅट इज नेसेसरी, असं म्हणतात की आपण शुद्ध होतो बेसिकली जे आपण आता फिरून आलो, सो इट्स बेटर टू पे वॉटर। घेतलं सो दिस इज अवर दिस can see how it is pura carve kiya hua sagar carving hai na total sagar dagdan madhe sagar dagdan madhe carving hai total ye pandav kali mandir ahe acha pandavani badhel asha ke baba ubha vishesh mhanje he swayambhu ahe acha swayambhu mhanje jaun tin apa pragat zale त्याला स्वयंभू शिवलिंग म्हणले जात आणि जागृत देवस्थान आहे, अच्छा, तुमची इच्छा मनोकामना पूर्ण करणार असे जागृत देवस्थान आहे। आपल्या भारत देशात 12 ज्योतिर्लिंग सुद्धा असताना सुद्धा महाराज तिथे न जाता तिथे काल हे विशेष हो, आणि त्या काळामध्ये आमचे शिवाय जन्म होते, त्यांनी रुद्राभिषेक घालून त्यांना हिंदवी स्वराज्य शपथ दिली,
आणि जो आशीर्वाद महाराजांना लाभणार आहे शिव महादेवाचा त्या आशीर्वाद शेतकरी यांनी सगळं हे हिंदू स्वराज्य स्थापना स्थापना केली आणि हे सगळं वैभव उभं केलं आशीर्वादाच्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। राजमाता जिजाऊ साहेबांचा विजय असो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो बेसिकली दिस इज द वे टू गो टू दैट सेवन कलर स्वैप, जहाँ पे सात कलर की अलग अलग मिट्टी मिलती है। देखिए, दिस इज होल ग्रीनरी एंड फ्रॉम दिस दिस इज द वे जहाँ से हमें जाना है, एंड यही वो वे था जहाँ से हमारे वहाँ पे आपको दिख रहे हो लोग आ रहे। सो वील गो फॉरवर्ड टू दिस वे, ज़्यादा दूर नहीं है, रायरेश्वर मंदिर से आपको पीछे की तरफ से आना है। वहाँ पे अगर किसी से भी पूछ लिया तो दे कैन टेल यू कि कहाँ से जाना है। बेसिकली मोस्टली दे टोल्ड अस कि मोस्टली हाफ एन आवर लग जाएगा जाने के लिए, बट इट्स देयर स्पीड, उनका स्पीड अलग होता है, हमारा स्पीड अलग होगा। सो मोस्टली वी आर कैलकुलेटिंग टिल 40-45 मिनट्स टू रीच टू दैट प्लेस। बट ये जाने का जो व्यू है दैट इज समथिंग एल्स, पूरा ग्रीनरी है। इतने हम लोग चल रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि कुछ स्टैमिना गिर रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो एयर भी फ्लो हो रही है दैट इज ऑल्सो कूल, तो दैट इज द रीजन ये बढ़िया हो रहा है। सो आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स वी हैव गॉट दिस सेवन कलर्स एंड अराउंड हाफ एन आवर, ओके अराउंड हाफ एन आवर हम सबको सभी कलर मिल चुके हैं एंड दीज आर दोज आई जस्ट शो यू आउट। दीज आर द कलर्स, ब्राउन, वाइटिश, पर्पल, दिस इज क्रीम कलर, देन दिस इज डार्क ग्रे, दिस इज काइंड ऑफ येलोइश बट यू कैन नॉट से इट्स काइंड ऑफ अ डार्क येलोइश कलर, एंड दिस इज मरून। सो दिस काइंड ऑफ सेवन कलर्स यू सी ओवर हियर, आई विल जस्ट शो यू सॉइल कलर्स, सॉइल कलर्स, सेवन कलर्स ऑफ सॉइल यू कैन सी ओवर हियर, आई विल जस्ट शो यू आउट ओवर हियर वेयर यू कैन सी, यू कैन सी दिस पीपल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कलेक्टिंग दिस सेवन कलर्स, यू विल फाइंड इट ओवर हियर ऑल्सो, ऑल ऑफ दिस कलर्स। We have came down from Raireshwar Fort now and we are at this is the bridge which you can see behind me. Basically ये bridge build किया था यहाँ के बोर के जो राजा थे, राजा श्रीमंत रघुनाथ राव शंकर राव पंडित पंत सचिव, और ये कंस्ट्रक्ट किया था ईयर 1936-80 में, और ये जो है ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज है और तभी से ये वैसे के वैसा है। सो विल मूव फॉरवर्ड और वहाँ पे शंकर का मंदिर है जो बहुत पुरातन है, तो वो भी हमें देखते हैं। सो विल मूव फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड विल सी हाउ इट इज पॉसिबल, सो लेट्स गो। सो दिस इज हाउ द स्टेयर्स आर देयर, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट वहाँ पे समाधि थी और यहाँ से हमें स्टेयर्स मिल रहे हैं, एंड ओवर देयर डाउन साइड देयर इज द मंदिर ऑफ नागेश्वर, तो विल विजिट दैट, विल सी हाउ इट इज। की एक शंकराच्या मंदिरात गेलं की तो स्मेलच एक वेगळा येतो,
आणि ऑटोमॅटिक शांतता जी येते तुमच्यात ती वेगळी येते. ॐ नमः शिवाय. Right now it's 6:30 basically. It was a hell long day. तो जो कुछ मैंने सोचा था करने के लिए mostly on the Irish show and everything, वो तो सब पॉसिबल हो चुका है. बट और भी सरप्राइजिंग थिंग्स थे, जैसे कि आर्टिस्ट था वहाँ पे. उसके बाद we came across a group of people who visited. We had talk with their gurujis which were there. Then also a school trip was there. जो पीपल हैव ऑलरेडी सीन इन टू द ब्लॉग. सो अगर आपको कोई भी एक पार्ट अच्छा लगे या कुछ दूसरा आपको लगे कि ऐसे इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कोई और टॉपिक पे, सो डू कमेंट डाउन एंड गिव मी अ लिटिल स्कोप टू इम्प्रूव दैट. एंड मोस्ट प्रोबेबली इन टू द नेक्स्ट ब्लॉग आई विल इम्प्लीमेंट इट. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट ब्लॉग विच विल कम in the next week itself. I am basically going to try to make weekly vlogs only. Har ek week mein koi na koi ek vlog definitely aayega and that will be my target. So thank you all and bye bye.